अयोध्या में भी स्वास्थ्य विभाग से 108 102 एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी गई है। एम्बुलेंस कर्मियों के अयोध्या के दर्शन नगर में मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस खड़ी करके धरना प्रदर्शन किया है। जिले में सभी एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज के कंपाउंड में खड़ी कर दी गई है और जिसमें से स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावित हो रही है। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है और कि एम्बुलेंस के सेवा प्रदाता कंपनी के जीवे के लिए AMR के और उनके वे सही रवैया नहीं अपना रहे हैं और वही एम्बुलेंस कर्मियों ने भी कंपनी के क्लाउड प्रोजेक्ट के बंद करने की भी मांग कही है। और वहीं पर यही नहीं, एम्बुलेंस कर्मियों का पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। आरोप ये है कि वेतन समय नहीं मिलता है और वहीं पर एम्बुलेंस की सेवा ठप करने के बाद एम्बुलेंस के लिए कर्मियों ने कहा है कि 7 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने वेतन के विरुद्ध वह नहीं हुई है, जिसको लेकर वह आज पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस के कर्मी आंदोलित है। 7 सालों में इंक्रीमेंट कभी नहीं लगा और उन्होंने कहा था कि इंक्रीमेंट पर साल लगेगा, इंक्रीमेंट भी नहीं लगा। 12 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं दिन रात, वेतन भी बहुत कटौती करके आती है, कभी कर के आती है, तो 2-3 महीने सैलरी नहीं आ रही। हम लोग घर पूरा परिवार सब समस्या में झेल रहे हैं और हमारी मतलब इतना ज़्यादा इसमें सफर हो रहा है जो हम लोग आपको बता रहे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। और फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, हम लोग को टाचर किया जा रहा है कि ड्यूटी करो नहीं बोझा बिस्तर मान लो घर चले जाओ। इतना ज़्यादा हम लोग मानसिक रूप से टाचर रहते हैं, 24 घंटे में क्या बताएं आप लोग को। सारी हमारी जितनी भी EMT पायलट हैं सब लोग बहुत 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 परेशान हैं। क्या नाम है आपका? सुजीत नाम मेरा। अगर आपकी मांग ना पूरी है तो क्या? हमारे अनिश्चित काल के लिए धरना दिया जा रहा है और हमारे जो हमारे EMT पायलट हैं वो लखनऊ में हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक हम लोग धरना से नहीं हटेंगे। जब तक पूरी मांगे और जब तक हम लोगों की मारे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। के जो धरना दे रहे हैं इसमें कितने जिले के लोग शामिल हैं? हमारे पूरा अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के पूरे यूपी में जो है काफी शोषण कर रही है, समय से ना वेतन दे रही है और जो है जो वेतन बकाया है उस पर भी कोई समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जो है मांगों में पायलट प्रोजेक्ट बंद करें, कर्मचारियों का सोर्सेस बंद हो, निर्धारित समय पर वेतन मिले, 1 से 7 तारीख के अंदर जो है हम लोग की सैलरी आए और फर्जी केस के लिए बंद किया जाए, निकाले हुए कर्मचारियों को की बहाली हो और जो है 12% तक की 12% जो है वेतन वृद्धि हो और 8 घंटे की जो है हम लोग की ड्यूटी हो, जो 4 घंटे ओवर कराया जाता है उसके लिए हम लोग को ओवर। न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।